मैंने YouTube वीडियो के अंदर एक TikTok का वीडियो भी बना दिया। Hey guys, मैं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ डकी भाई के वीडियो पे, डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी TikTok, दीज किड्स मस्ट बी स्टॉप्ड। तो यार TikTok पे यार बच्चे तो बहुत सारे हैं, खासकर मतलब वो जो 8th 9th में पढ़ते हैं, टीनेजर्स। तो डकी भाई की ये वीडियो TikTok यार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मानना तो पड़ेगा। मतलब हेट करो, नफरत करो, मतलब प्यार करो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब TikTok को इग्नोर आजकल करना मुश्किल हो रहा है, मतलब कड़वा सच्चाई है यार भैया। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। मैं नहीं बताऊंगा। आज के दौर की अच्छी और बुरी बात ये कि हर बंदा अपने अंदर एक सेलिब्रिटी बना हुआ है। इन्हें लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो भी मुझे लगने से पहले मेरा बायो डाटा पूछेगा। ये खुशफहमी इन्हें TikTok इंस्टॉल करने के बाद से शुरू हो जाती है। कॉन्टेंट के चक्कर में कट वाली फीलिंग देने वालों की ही बात करेंगे हम। ऐसे लोगों को फूफी के ईद पे घर आ जाने पे इतना अफसोस नहीं होगा जितना TikTok के बैन होने पे होने। TikTok की अक्कियां भी नापेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे पैसे और हमारी गवर्नमेंट क्या है, पबजी बैन करने लगी हुई है। 2 GB की पबजी बैन के लिए अदालतें चल पड़ी हैं और इधर 70 MB के TikTok के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। इमू मेरी जान, बारिश में वोट देने आया था यार आपको, प्यार किया है यार हमने। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। खैर पबजी में बाद में आते हैं, पहले एकदम से वक्त बदल दिया। मुझे खुद बताना कि पबजी बैन होनी चाहिए या TikTok। ऑब्वियसली TikTok घोड़े घोड़े मुखड़े पे कुछ भी यार अर्नब का बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जो आजकल पाकिस्तानी TikTok के ट्रेंडिंग बॉय हैं, दिमाग तो मेरा ये सोच के खराब हो रहा है कि ये बॉयज टॉयलेट जाता होगा या गर्ल्स टॉयलेट। उसको छोड़ो, मुझे तो अभी इसकी कैटेगरी समझ नहीं आ रही। TikTokers का एम होता है कि वो एक्टर बन पाएंगे, एक्ट्रेसेस बन पाएंगी, मॉडल बन पाएंगे, स्टार बन पाएंगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ इंडस्ट्री में चीखे मारने की जॉब मिलती है और वहाँ पे भी इनकी मजीद ख्वाहिशात आ जाती है जो ऑफ कैमरा पूरी की जाती है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। थोड़ी मैंने इनके बारे में रिसर्च की तो पता लगा भाई साहब पंजाब कॉलेज से हैं, जहाँ पहले ही कोई बच्ची बुच्ची का सीन नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ हालत यही होनी थी। पंजाब कॉलेज आज से पहले बच्चियों की वजह से फेमस था, लेकिन इसके आने के बाद वहाँ पे बच्चियों की या पुंडरों की भी कमी हो गई है। पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार अपने अंडरवियर की तादाद डबल कर लो, नहीं तो इन भाई साहब की कहीं बाथरूम में नीयत खराब हो जाए तो कोई मसला मुसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने फोन पे 112 स्पीड डायल पे रखो, ये भाई साहब पब्लिक में नजर आ जाए तो कॉल करके बता देना कि भाई पोकेमोन बाहर निकला है। अब मसला ये है कि लोग इससे इंस्पायर होते हैं। मैं तो कहता हूँ इसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाए तो ये सनी लियोनी से कम चीज नहीं है। और फिर ये लोग कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट करो, हमें इज्जत दो। ऐसे लोगों का मोटो होता है टांगे उठाओ हाथ नहीं। आई लव यू। हे गर्लफ्रेंड है मेरी, तुझ में ऐसा क्या है जो मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तेरे पास आऊँ? मेरी बातें बहुत मीठी है। हैं, मेरा तो पूरा बॉयफ्रेंड मीठा है। बहुत नाजुक सूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नादरा और आधार कार्ड वाले इनको अपने आईडी कार्ड पे मेल लिखने की इजाजत कैसे दे देते हैं। मोटापा पे कोई नहीं बोलेगा कोई। रात को सोते वक्त करवट बदल के हिला लेता हूँ। और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें एक वीडियो बनाने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, इसके बिहाइंड द सीन देखना जरा। हो न जाए ये आसपास आवाम भी सोच रही होगी ये कौन सा मरीज किस अस्पताल से भाग गया भाई। मतलब कोई बच्ची शच्ची ऐसे करे तो समझ में भी आता है यार, इधर बुजुर्ग लोग भी आए हैं आजकल TikTok पे। लेकिन वो बंदा जिसके खुद के घर वाले इससे डरते हैं कि कहीं हमारा फ्रिज ना खाली कर दे, जिसको बैठने के लिए 2 कुर्सियां चाहिए होती हैं, उनका जरा TikTok कॉन्टेंट देखो यार। मैं हूं मौलवी चुम्मा, आज मैं बताऊंगा आपको बच्ची फंसाने का तरीका। ओ कॉपी पेंसिल ले आओ। देखिए सबसे पहले जहां भी आप बच्ची को देखें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार, चांदगढ़ी, रक्षा, ड्राइवर, सफर में, कहीं भी, ट्रेन, जहाज में, कहीं भी आपको बच्ची नजर आए तो आप सबसे पहले उसको बोल दें बाजी बाजी दीदी। एक तरफ TikTok पे की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ डिस्को मौलवी बच्चियां फंसाने के तरीके बता रहे हैं। भाई इनको इनकी खुद की बीवी मुड़ के देख ले बड़ी बात है। ऐसे लोग बच्ची फंसाने के तरीके बता रहे होते हैं जिनकी दूसरों ने बचपन में इतनी फाड़ी होती है कि अंदर ईंटों का घर बन सकते पूरा। ये पैसे आप क्या कह रहे हैं? अच्छा हम वापस आ गए, मैं पबजी खेल रहा था, आई थॉट मैं 2-3 किले फतह कर लूं, सॉरी। जितनी खेली थी अभी ही आपने खेली, क्योंकि आप
आगे लगने वाली है पबजी पे पाबंदी। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट जो है पबजी बैन करने लगी हुई है, तो उसमें मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। किस पुतिये का आइडिया है कि हमारे बच्चों में एग्रेशन आ गया है तो पबजी बैन कर देनी चाहिए। एक्चुअली इसके जो फीचर्स हैं, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, वो इस नेचर के हैं कि बच्चे खुद ब खुद इस गेम की तरफ इतना माइल हो जाते हैं। यही से तुम लोग इनकी गेमिंग नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे इसकी तरह मयाल होते हैं। पैंट डोरा द एक्सप्लोरर के ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स है पबजी मोबाइल से। इन्होंने बैटलफील्ड और रेड डेड जैसी गेम्स देखी हैं नहीं, और पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स अच्छे हो गए, बच्चे मयाल हो रहे हैं। पुत्र कभी वॉर जोन खेल के देखो, पता लगे ग्राफिक्स होते क्या है भाई। बाप बच्चे को मारता हो, स्कूल में टीचर डंडे मारता हो, सोसाइटी के चुतिया पे अलहदा, बाहर दोस्त उसको जलील करते हो, बस बच्चा पैदा करके फेंक दो, ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन एक मोबाइल गेम जरूर करती है। वजह से वो अपनी पढ़ाई पर, अपने सोशल रिलेशन पर, अपने वालदैन के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ ताल्लुक बरकरार नहीं रख पाते। कुछ पूछा मैंने कुछ I don't like PUBG. मुझे लगता है कि इस गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। स्लो पेस्ड गेम है, लैग किस्म के मैकेनिक्स हैं। पूरा सीजन वेट करो कि भाई कुछ नया आएगा, और जब सीजन आता है नया तो आता क्या है भाई, पावर रेंजर्स की स्किन निकाल के लॉलीपॉप मुंह में दे देते हैं कि भाई ये लो हमारा नया सीजन। जबकि आप बाकी गेम्स देखो, फोर्टनाइट वगैरह, उसमें जो अपडेट्स आते हैं भाई माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाता है। लेकिन एक चीज है, PUBG मोबाइल की वजह से जितने यंग बच्चों का करियर बना है, यंग स्ट्रीमर्स का, प्रोफेशनल कंपेटिटिव प्लेयर्स का, इनका पूरा करियर ही एक गेम पे बेस करता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही टीनएजर्स किसी हार्ड वर्किंग 4 GPA टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा इज्जत भी है। और मैंने भी पैसे कमाए हैं भाई PUBG से। खुद गवर्नमेंट कहती है बाहर से डॉलर लेके आओ, अब जब डॉलर लेके आ रहे हैं तो PUBG बैन कर दो। वाह भाई, टिकटॉक पे वापस आओ यार। पैन सस्ती एडिटिंग इसे मत हंसो यार, ये कौन का कर रहे हो। सस्ते नशे के साइड इफेक्ट पे कभी किसी ने वीडियो बनानी हो ना, तो यार ये वीडियो बीच में लाजमी फिट करना। बेटा जी बंदी खराब हो तो कोई अमीर बच्चा फंसाओ, खिदमतें करवाओ, आईफोन लो, लूटो, उठवाओ, काटो, मौज लो। ऐसी वीडियो बनाने के बाद गोल्ड डिगर बोल देते हैं यार। खान के फूफी का सीधा खोतिया वाला भी मुंह लगाए। ऐसी बंदियां होती हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इनकी बर्थडे कब है, लेकिन बर्थडे पे इनको आईफोन ही चाहिए। मुंह इनका सेकंड हैंड चार्जर की पिन वाला भी ना हो, लेकिन सैटरडे को इनको डेरी मिल्क चाहिए। हर संडे इनको पार्लर जाने, मेहंदी लगवाने। इनसे बाप का काम पूछे तो कहती है कि हमारे अब्बे का मसाज सेंटर है, जबकि असलियत में पे उनका मालशी होते हैं। तेरा सिर्फ दिमाग खराब, ये कोलकाता की लड़की क्यों ब्यूटी है। चलो इसकी मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इसने ना वो वाली बकवास नहीं लगाई। हर बार हगना जरूरी नहीं होता। अरिका मान जाओ ना प्लीज। अरिका तुमने मुझे फोन ही क्यों किया? मैं जिनत मिर्जा के साथ नई वीडियो बनाऊंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। मुझसे बात तो करो एक दफा। अरिका अरिका कॉल अरिका अरिका को बना। इतना देर में आंसू भी तेरे ने साले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, कहां से आते हैं? ऐसे लोगों को किसी बच्ची का रिप्लाई आ जाए, ऐसे ही अपने ही घर वालों के सामने चौड़े हो जाते हैं, और बच्ची के सामने इन्हें अपना अब्बू चेंज करने में मिनट नहीं लगता। एक दिन नवाज शरीफ इनका अब्बू होता है, एक दिन मलिक रियाज, एक दिन धोनी, एक दिन विराट कोहली, और पांचवें दिन ट्रंप। दोस्तों से गाड़ी मांग के लाते हैं कि बच्ची को घुमाने लेके जाना है, जबकि घर में इनकी सिलेंसर के बगैर वाली रोड बिनेस खड़ी होती है, और उसमें भी मोहल्ले वाला दूध बेचने निकला होता है सुबह। माँ बाप को लग रहा होता है बच्चा अंदर कमरे में बैठ के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा होता है, लेकिन अंदर बैठ के बच्चियों से डील कर रहा होता है कि अपने दोनों भाइयों को कहो कि मेरी एक घंटा मार लेना, बदले में तुम्हें मेरी वीडियो में आने दें। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपका हो सकता है, तलाश करें और मुझे जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आप भी जीत पाए। भाई साहब के खुद ये आपका हो सकता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। नहीं पता ये भाई साहब आईफोन गिव अवे करने के साथ कर लेना यार आईडी। मैं तुम लोगों को बता दूं कि ज्यादातर टिकटॉक आईफोन गिव अवे फेक होते हैं, ये बस इनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स लेने की निंजा टेक्निक होती है। मिलना मुलना कुछ नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि इस गुब्बारे का आईफोन गिव अवे असली है या नकली, लेकिन जिस तरह भाई साहब ने कमेंट डिसेबल किए हैं कुछ तो गड़बड़ है। दया तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदा ही खराब हूं। भाई वो लड़का है, उसकी नन्नू है भाई, और अगला बंदा उसको फायरिंग कर रहा है, फायरिंग करने के बाद चाट भी रहे।
काका मैं बंदा ही खराब सिर्फ बंदा नहीं पुत्र तेरी नीयत भी खराब है। कभी अस्पताल जाओ तो अपने अजो तनाजल का इलाज करवा लिए और टेक्निकल डिफिकल्टी क्या मस्त वीडियो बनाया यार टक्की भाई। बचपन से लेके अब तक इनको पूरे मोहल्ले का प्यार मिला होता है, लोगों की गोदों में इतना बैठ चुके होते हैं कि अब इन्हें फिंगर टिप्स पे याद हो गए कि किसका कितने इंच का है। एक्टिंग की गांड मारना कोई इनसे सीखे। ये वो स्टार है जिनको अपने आप को साबित करने के लिए भी प्रूफ देना पड़ता है। लख दी एंड में बस ये कहना चाहूंगा कि यार अगर कुछ बैन करना है तो वो चीज बैन करो ना जो लोगों को चुतिया बनने पे मजबूर कर रही है। नोनो वाले बच्चे को फिंगरिंग करवा दी पैन, ना कि वो गेम जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो और सब्सक्राइब करो यार, 2 मिलियन करवाओ। गर्मी चल रही है ना, अगर हो गए तो मैं ये वाली बकचोदी डालूंगा वो भी टिकटॉक पे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले के लिए नीचे मजा है ऊपर भी मजा है। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार, बहुत बुरा लगता भाई, है यार भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी टिकटॉक फिर से टिकटॉक और यकीन मानिए डक्की भाई ने इससे पहले भी टिकटॉक पे एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये वीडियो उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको देखने में। और मेरे ख्याल से अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो भी लफड़ा है वो ख़त्म कर देना चाहिए। एक इंडियन रोस्टर्ड हैं, ट्रिगर्ड इंसान, उनकी मैं कुछ वीडियोज़ फॉलो कर रहा था, उनको मैं पहले से नहीं जानता था। मैंने हाल ही में उनका चैनल सर्च करा तो मुझे पता चला कि पिछले एक साल से वो सिर्फ टिकटॉक पे ही वीडियो बना रहे हैं। कुछ वीडियोस इधर उधर जा रही हैं लेकिन मैक्सिमम वीडियोस उनका टिकटॉक। तो यार मेरे अब ये स्टॉप कर देना चाहिए। बट इस वीडियो की बात करें तो बहुत मज़ा आया वीडियो देखने में। अगर आपने पूरा रिएक्शन देखा है तो बीच में आप मेरा रिएक्शन से पता कर रहे होंगे कि मैंने कितना इंजॉय किया। बहरहाल 9 out of 10। और पबजी की बात करें तो पबजी बैन नहीं होना चाहिए यार, मतलब सिंगल लॉन्डो का ना बेस्ट टाइम पास है पबजी। रात में सोने से पहले सिंगल लॉन्डे तकिया पकड़ के सोते थे, अब पबजी खेल के सोते हैं, फर्क है। गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को भी, मेरी गवर्नमेंट को भी, मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट को भी, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को भी। फिलहाल हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है मुझे टक्की भाई से पता चला। तो यार सही है, बहुत लोग जो हैं गेमर्स इससे पैसे बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, और अचानक से आप इसको बैन करके बहुत बड़ा तीर जो है वो नहीं मारने वाले, और लोग इधर उधर से डाउनलोड करके इसको खेलेंगे ही। तो इससे अच्छा है कि आप इसको बैन ही ना करें। बैन करना है तो टिकटॉक को करो भाई। कतई 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 जहर फैला रही है समाज में, कुछ भी किए जा रहा है। मतलब इंडिया यहाँ पे बोल रही है कि भैया स्पिटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे टिकटॉकर्स थूकना भी प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म प्रमोट किया जा रहा है, कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है। भैया मत करो, कर क्या रहे हो। मेरे ख्याल से मैं जब भी न्यूज़ फॉर यू खोलता हूँ टिकटॉक का, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाहियात वीडियोस मिलते, लड़के लड़कियां बने हुई हैं। चलो कुछ लड़कियां हैं जो बढ़िया कंटेंट बना रही हैं, 15 सेकंड का वो भी क्या कंटेंट बनाएगी, बट हाँ ठीक है, डांस वगैरह अच्छा कर लेती हैं, कुछ ठीक ठाक जो है 15 सेकंड में कुछ बढ़िया चीज़ कर देती है तो ठीक लगता है। लेकिन मैक्स जो 80% जो हैं टिकटॉक के क्रिएटर्स, वो बस वाहियात चीज़ें कर करके जो हैं वो उस पर पैसे कमा रहे हैं नहीं पता नहीं यार, बट वही आ चीज़ अपलोड कर रहे हैं। लेकिन टिकटॉक जो है यार, वो मैंने चाइनीज़ वायरस करके एक वीडियो, मतलब मैंने एक हैशटैग डाला था, वो वीडियो मेरा टेकडाउन कर लिया गया। मैंने फ्री तिब्बत, आप सर्च करो फ्री तिब्बत हैशटैग सर्च करो, आपको इस पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और एक बंदी ने जब अभी, तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लद्दाख में, तो उसको लेके एक वीडियो बनी थी टिकटॉक पे, 1 मिनट की वीडियो थी, और उस वीडियो को भी चाइना ने टेक डाउन कर लिया। तो भैया फ्री स्पीच नहीं है टिकटॉक पे, जैसा देश वैसा ऐप। तो मुझे समझ नहीं आता कि टिकटॉक को क्यों बैन नहीं करना चाहिए, इसका कोई रीज़न मेरे पास नहीं है। खैर आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 2000 लाइक्स ज़रूर कर देना यार। तो फिर यार खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या इस्लामाबाद रहो, अमन की आशा।